तो वेलकम बैक। तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट है, तो हम कोशिश करेंगे इसको पार्ट वाइज सॉल्व करें, यानी हम हर पार्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे। तो मैं पहले एक बार रीड कर दूंगा चीज़ों को और जो बता दूंगा जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, उसके बाद जो पार्ट आता जाएगा उसको साथ साथ हम अंडरस्टैंड करके उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, 2.85 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ वर रिक्वायर्ड टू फिल द डिसयूज सिन सेंक्वायरी एट राइफल रेंज रोड। तो एक बात तो क्लियर है, हमने क्वेरी फिल कर दी है। क्वेरी का मतलब आप कह सकते हैं माइन या केव कह लें, कोई केव है, या आप इसको माइन की सेंस में भी ले सकते हैं, या माइन है जो हमने फिल करनी है। और किस चीज़ से फिल करनी है? 2.85 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ, इस चीज़ से हमने फिल करनी है। या आप अर्थ के मीनिंग से परेशान ना होइएगा, ये अक्सर कंस्ट्रक्शन के अंदर या आपने कभी सुना हो कि कोई माइंस जो होती हैं या डैम्स होती हैं, इनको अर्थ फिल किया जाता है। अर्थ फिल का मतलब होता है ख़ास किस्म की मिट्टी होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ मटीरियल्स ऐड किए जाते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी, उसकी हाई टेक जैसे रखने के लिए भी, और भी बहुत से पर्पज़ के लिए होती है, जो कि हम उसको फिल करते हैं उसको कम्प्लीटली इस मटीरियल से, जिसको बोलते हैं अर्थ फिल। तो एक क्वेरी है, सिन सेंक्वायरी उसका नाम है, एट राइफल रेंज रोड, ये बेसिकली उसका एड्रेस है जहाँ पे वो मौजूद है, जहाँ पे वो माइन या केव मौजूद है, तो वो है राइफल रेंज रोड, ये उसका एड्रेस लिखा हुआ है। तो हमने इस क्वेरी को इतने मिलियंस क्यूबिक मीटर, यानी 2.85 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ से, जो मैं बता चुका हूँ ऐसा मटीरियल जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐड की जाती हैं ख़ास किस्म के सॉइल में, और वो केव को फिल करने के लिए या डैम्स को फिल करने के लिए यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं अर्थ, और उस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थ फिल। तो ये वो अर्थ, वो मटीरियल है बेसिकली जो हम फिल करने जा रहे हैं इस क्वेरी में। हमें बता दिया गया है कि इतने मिलियन क्यूबिक मीटर अर्थ का हमने फिल करना है इस क्वेरी को फिल करने के लिए, जो कि राइफल रेंज रोड पे मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे लव्ज यूज़ हुआ है फिल द डिसयूज्ड, डिसयूज्ड का मतलब होता है ऐसी जगह जो इस्तेमाल में ना हो या निगलेक्ट कर दी गई हो, उस पर अब इस्तेमाल ना होता हो। तो हमने एक ऐसी क्वेरी है जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही है, राइफल रेंज रोड पे है, उसको हमने फिल करना है अर्थ से, और हमें उस अर्थ का वॉल्यूम बताया हुआ है जो कि रिक्वायर्ड है उसको फिल करने के लिए, वो है 2.85 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। तो पहले तो इतनी चीज़ में जो एक चीज़ मैंने बार बार इस्तेमाल करनी है या पहले पार्ट में इस्तेमाल होगी, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि 2.85 मिलियन क्यूबिक मीटर का क्या मतलब है, उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 1 पे। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिक्वायर्ड, वो जो मटेरियल है जिसको मैं अर्थ कह रहा हूँ जो कि रिक्वायर्ड है, उसका वॉल्यूम गिवन है 2.85 मिलियन मीटर क्यूब। क्यूबिक मीटर का मतलब है बेसिकली मीटर क्यूब, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने इस चीज़ को इसलिए यहाँ पे पहले बता दिया क्योंकि मैं ये डायरेक्ट यूज़ करूँगा, ये ना हो आप कन्फ्यूज़ हों। तो मिलियन का मतलब आप लोग जानते ही हैं, पाकिस्तानी वे में इसको हम बोलते हैं 10 लाख, और इंटरनेशनल वे में इसको हम बोलते हैं मिलियन। तो 1 मिलियन का मतलब आपको पता है, 6 ज़ीरोज़ आते हैं उसमें, तो मैंने 2.85 वैसे ही रहने दिया, और मिलियन की जगह पे उसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू बनती है वो लिख ली है, और मीटर क्यूब तो वैसे ही है, यानी 2.85 × 1000 मैंने किया है, क्योंकि ये इतने मिलियन बनता है। तो इसलिए मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए डिजिट्स के अंदर इस मिलियन की जगह पे उसकी वैल्यू प्लेस करनी थी, जो कि पाकिस्तान में 10 लाख कहलाता है और इंटरनेशनल वे में उसको मिलियन बोलते हैं। तो 1 मिलियन का मतलब है ये 6 ज़ीरोज़ आएंगे उसमें, आप लोग जानते ही होंगे। तो 2.85 को मिलियन से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये मिलियन की वैल्यू है। तो मेरे पास आंसर आ गया 2.85, और 4 टेट्रा ज़ीरो है मेरे पास यहाँ पे, और आगे मीटर क्यूब। तो ये चीज़ मैंने इसलिए की है क्योंकि मुझे मुकम्मल वैल्यूज़ यूज़ करनी है, तो मैं उसके आंसर्स करेक्ट निकाल सकता हूँ। तो मैंने मिलियन की जगह पे उसकी मैथमेटिकल वैल्यू पुट कर दी है। तो अब मैं जहाँ पे भी वॉल्यूम यूज़ करूँगा वो ये वाला वॉल्यूम यूज़ करूँगा जो मैंने मिलियन की वैल्यू पुट करने के बाद कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लिया है। तो इसलिए आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1 मिलियन क्या होता है और उसकी वैल्यू किस तरह निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू निकाल कर बता दी है कि 2.85 को आप 1 मिलियन जो वैल्यू है उसकी पुट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलेगा। तो जो टोटल वॉल्यूम हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ये, जिससे हमने क्वेरी को फिल करना है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है, इफ़ ईच ट्रक कुड कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 6.25 क्यूबिक मीटर, या मैं मीटर क्यूब भी पढ़ सकता हूँ, मीटर क्यूब ऑफ अर्थ पर ट्रिप। अब इस क्वेरी को फिल करने के लिए जो टास्क दिया गया है वो किस तरह पूरा किया जा रहा है, वो कुछ ट्रक्स के ज़रिए पूरा किया जा रहा है, कि आप इसको कंसिडर कर लें कि कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि एक ट्रक जो है ये वाला मटीरियल, अर्थ मटीरियल जो है बेसिकली कुछ फिल करेगा, लोड करेगा, और उसके बाद जाके इस जगह पे जहाँ पे ये क्वेरी मौजूद है उसको फिल करेगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक ट्रक, ईच ट्रक का मतलब है, अगर एक ट्रक जो सबसे ज़्यादा लोड, मैक्सिमम का मतलब जो सबसे ज़्यादा वो लोड फिल करा जा सकता है उस ट्रक के अंदर, वो है इतना
6.25 मीटर क्यूब वॉल्यूम का अर्थ फिल जो है ना फिल किया जा सकता है, लोड किया जा सकता है इस ट्रक पे पर ट्रिप का, मतलब एक ट्रिप पे, यानी एक ट्रिप पे जो ट्रक लेके जा सकता है लोड वो जस्ट इतना है। हाउ मैनी ट्रिप्स वर रिक्वायर्ड टू फिल द एंटायर करी, तो कितने चक्कर लगेंगे, कितनी बार ट्रक को आना जाना करना पड़ेगा अगर वो इस राइफल रेंज पर जो मौजूद है क्वेरी, ये वाली सिंग सैंग क्वेरी जिसका नाम है, उसको फिल कर ले इंटायर। इंटायर का मतलब पूरी क्वेरी। तो पूरी क्वेरी को फिल करने के लिए ट्रक को कितने ट्रिप्स लगेंगे अगर एक वक्त में, एक ट्रिप में जो ट्रक जो है जितना लोड लेके जा सकता है वो है 6.25 मीटर क्यूब, यानी एक ट्रिप की वैल्यू गिवन है और हमसे पूछा ये जा रहा है कि पूरी क्वेरी को फिल करने में कितने ट्रिप्स लगेंगे। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखें, हमें जो पहला पार्ट है उसमें बताया गया है कि एक ट्रक जो लोड कर सकता है, यानी उसमें वो वाला मटेरियल जितना भरा जा सकता है जिससे क्वेरी को भरना है, वो जस्ट इतना कंटेन कर सकता है, यानी उस अर्थ जो ट्रक है उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट इस उस मटेरियल की रखी जा सकती है, फिल की जा सकती है जिससे क्वेरी को फिल किया जाना है, तो वो 6.25 मीटर क्यूब है। ठीक हो गया। तो अब हमें ये पूछा जा रहा है कि कितने ट्रिप्स चाहिए होंगे उस पूरी क्वेरी को फिल करने के लिए। अब आप लोगों को पता है कि पूरी क्वेरी को फिल करने के लिए जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, या वो मटेरियल जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है जो रिक्वायर्ड है, वो ये है, ये मैंने अभी आपको निकाल कर बताया हुआ है, इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उस क्वेरी को फिल करने के लिए, जबकि एक ट्रक एक ट्रिप में जस्ट इतना वॉल्यूम इस मटेरियल का लेके जा सकता है जिससे क्वेरी को फिल किया जाना है। तो जाहिर बात है मुझे इस वॉल्यूम की जगह पे ये वाला वॉल्यूम चाहिए एक तरह का। अगर आप इसको इस तरह सोचें कि अगर ये सारा ट्रक इतना वॉल्यूम उस क्वेरी तक पहुंचा देगा तो वो क्वेरी फिल हो जाएगी, इसका मतलब मुझे इस जगह पे इतना वॉल्यूम चाहिए क्योंकि इतना ही वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है उस क्वेरी को फिल करने के लिए। तो इस जगह पे मुझे इतना वॉल्यूम कैसे लेके आना है, उसको मैथमेटिकली किस तरह डील करना है और ट्रिप्स के साथ कैसे रिलेट करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया है। ये आप कह लें आपको समझाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इसका डायरेक्ट स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं और आप इसका रिक्वायर्ड आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने दो कॉलम बना लिए हैं इस चीज़ को समझाने के लिए कि कितने बेसिकली ट्रिप्स लगने वाले हैं उस क्वेरी को फिल करने के लिए, जिसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो कि उसको फिल किए जाना है जितने वॉल्यूम से, वो ये है। ठीक है, तो मैंने एक तरफ पे लिखा है कि वॉल्यूम या स्लैश लोड ट्रक कैन कैरी, एक ट्रक में कितना वॉल्यूम या कह लें कितना लोड जो है ना वो कैरी कर सकता है, कितना वो बियर कर सकता है, कितना वो लेके जा सकता है। तो वो जो मैक्सिमम हमें बताया गया है वो बताया गया है 6.25 मीटर क्यूब, इतना वो मटेरियल लेके जा सकता है वॉल्यूम का, कितने ट्रिप्स में, एक ट्रिप में, एक ट्रिप में इतना वॉल्यूम लेके जा सकता है। अब आपने निकालने हैं कितने ट्रिप्स में वो उतना वॉल्यूम ले जाए जिससे क्वेरी फिल हो जाए, और आपको पता है वो जो वॉल्यूम जो कि उसको लेके जाना चाहिए उस क्वेरी को फिल करने के लिए वो इतना होना चाहिए, क्योंकि इतना वॉल्यूम हमें बता दिया गया है लगेगा उस क्वेरी को फिल करने के लिए। तो आपने ध्यान में रखना है इतना वॉल्यूम हमें चाहिए उस क्वेरी को फिल करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं ये पहले भी चीज़ें चैप्टर 9 में डिस्कस कर चुका हूँ, रेशियो रेट की चीज़ें हैं ये बेसिकली। मैंने यहाँ पे 6.25 को लिख लिया है 6.25 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ताकि मैं 1 मीटर क्यूब की वैल्यू निकाल लूं और इस 1 मीटर क्यूब की मदद से मैं उस टोटल वॉल्यूम जो कि रिक्वायर्ड है क्वेरी को फिल करने के लिए उसको निकाल लूंगा, और ये मुझे हेल्प करेगा नंबर ऑफ ट्रिप्स निकालने में। तो आइए देखते हैं, मैंने 6.25 को लिख लिया है 6.25 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रिप्स हैं वो वैसे ही हैं। अब आप लोग जानते हैं एक चीज़, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हो उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करें तो वो डिवाइड होती है, या पैसे कह लें मैंने इस इक्वेशन के दोनों साइड पे 6.25 से डिवाइड कर दिया है। तो ये जो 6.25 थी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही, इसको इधर मूव किया तो क्या हो गया, डिवाइड। तो मुझे वैल्यू मिली है कि जो ट्रक जो है अगर वो 1 मीटर क्यूब कैरी करता है, इतना वॉल्यूम जस्ट कैरी करता है, तो उसको इतने ट्रिप्स लगते हैं। लेकिन मुझे तो जानना है कि टोटल ट्रिप्स कितने लगेंगे उस क्वेरी को फिल करने के लिए। तो उस क्वेरी को फिल करने के लिए जो वॉल्यूम है वो इतना है, यानी इतने वॉल्यूम वहाँ पे भिजवाया जाएगा तो हमें पता चल सकेगा कितने ट्रिप्स लगे हैं। तो इस चीज़ को बनाने के लिए मुझे तो इतना वॉल्यूम चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, मुझे कितना चाहिए, इतना वॉल्यूम। तो मैं इसी चीज़ को, इसी इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ उस चीज़ से जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, तब पता चलेगा कितने ट्रिप्स लगे हैं। तो जिस चीज़ को मुझे, जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है, मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। यहाँ पे भी लिख देता हूँ 285 पूरी वैल्यू जो ऊपर गिवन है, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ उसी चीज़ से, क्योंकि इक्वेशन के दोनों तरफ
एक ही जैसी चीज़ को, एक ही जैसे नंबर को अदर देन जीरो को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये मैंने क्यों किया था, क्योंकि जब मेरे पास यहाँ पे वन आ जाएगा तो यहाँ पे कोई भी नंबर बनाना आसान होगा, तो मुझे इतना वॉल्यूम बनाना है, ये चेक करना है इतने वॉल्यूम को पहुँचाने में कितने ट्रिप लग रहे हैं। तो मैंने इसलिए दोनों तरफ वही वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया है जिसकी रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो देखें 285 को जब आप इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ये होगा 285, टेट्रा ज़ीरो हैं और मीटर क्यूब वैसे, यानी इतने मीटर क्यूब को, इतने वॉल्यूम को जो कि रिक्वायर्ड है उस क्वेरी को फिल करने के लिए, पहुंचाने के लिए जो ट्रिप्स लगेंगे वो होंगे ये, यानी ये आपका सोल्यूशन का पार्ट है। आपने 285 इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वही आंसर आएगा। आपने जस्ट इस वैल्यू को 6.25 से कर देना है डिवाइड, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रिप्स का। तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 456 और 000। तो इतने ट्रिप्स बेसिकली मेरे पास लगे हैं इतने वॉल्यूम को पहुंचाने के लिए। इतने वॉल्यूम का मतलब है उतने वॉल्यूम को पहुंचाया है जिससे क्वेरी को फिल किया जाना है। क्वेरी को फिल किया जाना चाहिए था जितना रिक्वायर्ड था वॉल्यूम, वो था इतना, और एक ट्रक जो लेके जा रहा था वॉल्यूम वो जस्ट था इतना। तो अगर इतना वॉल्यूम वहाँ पे पहुंचाना है जिससे क्वेरी को फिल किया जाना है, तो मुझे जितने ट्रिप्स लगेंगे वो मैं निकाल चुका हूँ, वो हैं 456000, जिसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं पाकिस्तानी वे में 4,56,000, यानी इतने ट्रिप्स हमें लगेंगे उस क्वेरी को फिल करने के लिए। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका सोल्यूशन का पार्ट है। अगर आप कोट करना चाहेंगे सोल्यूशन तो वो जस्ट इतना ही बनेगा, लेकिन ये किस तरह सोल्यूशन बिल्डअप होता है और यहाँ तक किस तरह पहुँचता है ये मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है। तो ये हमारे पास था पहला पार्ट कि कितने ट्रिप्स लगेंगे उस ट्रक को, उस क्वेरी को फिल करने के लिए, वो हमने वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर टू पे। तो अब इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत आसान है। तो लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ईच ट्रक लोड ऑफ अर्थ वॉज $55। तो वो कह रहे हैं अगर आप एक ट्रक को फिल करके भेजते हैं अर्थ से, तो जो कॉस्ट आती है वो आती है $55, यानी एक ट्रक को फिल करने पे जो कॉस्ट आ रही है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, लेके जाने में उस मटेरियल को जिससे क्वेरी को फिल करना है, वो आती है $55। तो बताएं कितनी कॉस्ट आएगी टू फिल द क्वेरी, उस पूरी क्वेरी को फिल करने में कितनी कॉस्ट आएगी। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखें पूरी कॉस्ट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस मटेरियल के साथ क्वेरी तक कितनी कॉस्ट आ रही है। वो उन्होंने बता दी है कि एक ट्रक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्वेरी तक जो कॉस्ट आती है वो आती है $55। यानी एक ट्रक का जो, यानी एक ट्रिप जो हमें पड़ रहा है वो बेसिकली $55 का पड़ रहा है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि टोटल ट्रिप्स कितने हुए हैं क्वेरी तक आने जाने में या क्वेरी तक उस मटेरियल को पहुंचाने में, तो आप आराम से कॉस्ट निकाल सकते हैं कि पूरी क्वेरी को फिल करने में कितने पैसे हमें लगने वाले हैं। तो अगर एक ट्रक या कह लें उसको एक ट्रिप पे जो कॉस्ट पड़ रही है वो $55 पड़ रही है, तो टोटल ट्रिप्स कितने हैं वो हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं। पहले पार्ट ने हमें यही बताया कि इतने ट्रिप्स लगेंगे उस क्वेरी तक उस मटेरियल को पहुंचाने में। तो अगर हमें पता है कि इतने ट्रिप्स लगेंगे और एक ट्रिप $55 का पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट $55 पड़ रही है, तो टोटल ट्रिप्स होने वाले हैं इतने, तो इतने ट्रिप्स की कॉस्ट किस तरह निकालेंगे। जब आपको एक ट्रिप की वैल्यू पता है तो इतने ट्रिप्स की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। जस्ट इस वैल्यू को इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मैं जस्ट $55 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 456, यानी आप कह लें 4,56,000 से, यानी 456 और यहाँ पे 000 है, मुझे जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, यानी मैं इस वैल्यू को जस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा 55 से, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है जो काफ़ी लंबी चौड़ी है मेरे पास। तो ये मेरी कॉल बेसिकली कॉस्ट आई है, तो मैं इसके साथ डॉलर का साइन लगाऊंगा। तो इतनी कॉस्ट आने वाली है पूरी क्वेरी को फिल करने के लिए। तो ये मेरे पास हो गया इसका पार्ट नंबर टू। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर थ्री की तरफ। तो पार्ट नंबर थ्री में लिखा है गिवन दैट द साइट ऑफ द क्वेरी हैज़ अ लैंड एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 hectares। अब उन्होंने हमें कहा है कि पार्ट नंबर थ्री में के मान लें कि जो क्वेरी है, यानी राइफल रेंज रोड पे जो क्वेरी है जिसको हम फिल करने की यहाँ पे बात करते आए हैं, इस क्वेरी का जो टोटल लैंड एरिया है ना वो 3 hectares बनता है। ठीक है, उन्होंने हमें इस क्वेरी का एरिया बता दिया, यानी ये क्वेरी जितने एरिया पे मौजूद है वो बनता है 3 hectare। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टू फिल 1 meter square ऑफ द लैंड। तो अगर उसका टोटल एरिया 3 hectares है तो उसमें जस्ट 1 meter square लैंड को अगर फिल करना हो, उस टोटल एरिया में से जस्ट 1 meter square लैंड को फिल करना हो, तो बताएं उस पर कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्लिप किया गया है। तो एक तो पहली बात, हेक्टर्स क्या होते हैं। हेक्टर्स भी बेसिकली एक डायमेंशन है जिसके अंदर हम लैंड को मेजर करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया है कि 1 hectare जो है 10,000 meter square के इक्वल होता है। तो हमें ये भी बता दिया कि जो टोटल क्वेरी का लैंड एरिया है ना, जितना वो उसका एरिया बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली बनता है 3 hectare। तो हमें एरिया बता दिया क्वेरी का,
जो कि टोटल बनता है, और पूछा जस्ट ये जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वेयर लैंड को फिल करने में कितनी आपके पास कॉस्ट आने वाली है। तो इससे क्लियर इंडिकेशन है आपको ये हेक्टर्स और मीटर स्क्वेयर में कोई रिलेशन कायम करना पड़ेगा, इनको आपस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हेक्टर्स अगर मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम ये आसानी से निकाल सकें कि 1 मीटर स्क्वेयर लैंड को फिल करने में कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने खुद ही बता दी है, 1 हेक्टर होते हैं 10,000 मीटर स्क्वेयर के इक्वल। तो अगर मुझे 3 हेक्टर की वैल्यू बतानी है, क्योंकि क्वेरी का जो टोटल लैंड है, टोटल एरिया है, वो उन्होंने बता दिया वो 3 हेक्टर है, तो मुझे 3 हेक्टर की वैल्यू उससे कंसर्न है, तो मैं इसी वैल्यू के दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो 1 3 times 3 हो जाएगा, और 3 10,000 times 30,000 हो जाएगा, यानी 3 हेक्टर का मतलब 30,000 मीटर स्क्वेयर बन जाता है। ये कन्वर्जन आपको खुद से भी याद होनी चाहिए ताकि आपको आसानी रहे। तो 3 हेक्टर 30,000 मीटर स्क्वेयर के इक्वल होता है। इतना एरिया है उस क्वेरी का, ये याद रखें, ये वो एरिया है क्वेरी का, टोटल जो क्वेरी जितने हिस्से में फैली हुई है वो एरिया जो बनता है वो बनता है 30,000 मीटर स्क्वेयर। तो हमें पार्ट नंबर 2 में ये भी चीज़ पता चल चुकी है कि जो टोटल कॉस्ट आई है पूरी क्वेरी को फिल करने में उस मटीरियल से जिसका नाम अर्थ था, वो आई है इतनी। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में निकाल चुके हैं, सॉरी पार्ट नंबर 2 में निकाल चुके हैं। तो अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको समझाने के लिए मैं ये कॉलम्स कर रहा हूँ। तो हमने जो लैंड फिल करना है वो बेसिकली है क्वेरी का लैंड, और क्वेरी का टोटल लैंड उन्होंने बता दिया है वो है 3 हेक्टर यानी 30,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 30,000 मीटर स्क्वेयर। और पूरा लैंड जो फिल किया है उसकी हमें कॉस्ट पहले से ही पता है, यानी पूरे लैंड को फिल करने का मतलब है लैंड इतना ही था, इतने मीटर स्क्वेयर में लैंड था, उसका एरिया इतना ही था, तो उसको फिल करने में जो कॉस्ट है वो हम सेकेंड पार्ट में पहले ही निकाल चुके हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पे 30,000 मीटर स्क्वेयर की वैल्यू नहीं चाहिए, उन्होंने कहा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर निकालें, 1 मीटर स्क्वेयर लैंड को फिल करने में कॉस्ट आती है, तो इसलिए मुझे यहां पे 30,000 नहीं चाहिए, मुझे यहां पे चाहिए 1। तो इसको 1 बनाने का तरीका वही है जो भी पार्ट नंबर 1 में भी इस्तेमाल किया है, तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं, मैं 30,000 को लिख रहा हूं, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, याद रखें ये स्टेप्स हैं जस्ट आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आप इसका डायरेक्ट जो सोल्यूशन है जो हम एंड पे इक्वेशन सेट करते हैं वही आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे 30,000 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे यहाँ से सिर्फ 1 की वैल्यू चाहिए, ये वाली 30,000 वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ये क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 मीटर स्क्वेयर लैंड को फिल करने के लिए जो कॉस्ट आने वाली है वो बेसिकली बनती है ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय 30,000 जो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है, तो ये सोल्यूशन बनता है 1 मीटर स्क्वेयर को फिल करने के लिए जो कॉस्ट आने वाली है वो आनी चाहिए ये, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को इसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि 30,000 नीचे कैसे आ गया, ये वैल्यू ऊपर कैसे आ गई, तो उस चीज़ को एलैबोरेट करने के लिए मुझे ये स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो ये वाली वो वैल्यू आएगी कि 1 मीटर स्क्वेयर को फिल करने के लिए कितनी कॉस्ट आने वाली है। अब आपने जस्ट कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो डिवाइड कर देना है, यानी जो ऊपर वैल्यू न्यूमरेटर में दी है उसको आप डिवाइड कर दें 30,000 से, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 836, क्योंकि ये कॉस्ट वाला सेक्शन है तो ये आएगा डॉलर्स में। तो 1 मीटर स्क्वेयर को लैंड को फिल करने के लिए जो कॉस्ट चाहिए वो आ गई है $836। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 14 ख़त्म हुआ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी जल्दी में एलैबोरेट कर दिया है, तो कोई गलती हुई हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और अपोलॉजीज़ हैं एडवांस अगर कहीं पर कोई कमी पेशी रही हो, कोई सोल्यूशन में या आप कह लें कुछ समझाने में इशू रहा हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ।